हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा SBI कार्ड शेयर के बारे में। नया शेयर है दोस्तों, कुछ महीने पहले ही एक्चुअली लिस्ट हुआ था IPO में। ज़बरदस्त रिस्पांस रहा था इसका। दोस्तों, ये इस शेयर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या ये शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म में ये कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके से डेली शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 75,000 करोड़ रुपये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये निफ्टी 50 का शेयर बनने जा रहा है कुछ ही दिनों के अंदर। 25 सितंबर को ये निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। इसका बिजनेस जो है बेसिकली क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है, SBI क्रेडिट, जिसका बिजनेस काफ़ी ह्यूज और बड़ा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका PE रेशियो 60 का है। अभी थोड़ा सा महंगा हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है। डिविडेंड ठीक ठाक देती है ये कंपनी। यहाँ पे दोस्तों, हम लोग आज का चार्ट देखे तो 1% ये चढ़ा हुआ है। 1 वीक की बात करें दोस्तों तो -3% का अराउंड यहाँ पे लॉस दिया हुआ है। 1 महीने की बात करें तो 10% का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। 1 साल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 18% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने दिया हुआ है। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है इसलिए 5 साल का डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि 2000 मार्च 2020 में इसी साल ही एक्चुअली इसकी लिस्टिंग हुई है IPO के थ्रू। तो IPO में आने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर गिरावट हुई थी, उसके बाद इसके अंदर वापस से ये शेयर जो है ऊपर चढ़ना चालू हो गया दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है वो वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में है, वैसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस जो है, अमेरिकन जो वहाँ की एक्चुअली गवर्नमेंट की बैंक है, उनका एक्चुअली क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वैसे ही SBI कार्ड जो है ये गवर्नमेंट की क्रेडिट कार्ड कंपनी है। तो ये दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फोरकास्ट के बारे में। फोरकास्ट में अगर देखें तो फाइनेंस ने इसको एनालाइज किया हुआ है और 100% बाइंग की रेटिंग दी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें फोरकास्ट प्राइस फोरकास्ट फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देख सकते हैं इसकी अपसाइड अराउंड अराउंड 1,000 रुपये की दिख रही है, जिसमें हमें 22% का रिटर्न मिल सकता है। अगर ये मीडियम भी रहा, अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई तो भी वो 900 के रेंज में, मतलब 12% की अपसाइड इसमें दिख सकती है दोस्तों। लोअर साइड जाने का चांसेस इसमें बहुत कम है। लोअर साइड भी अगर ये चला गया तो अराउंड 837 तक ही जा सकता है, इसकी लोअर साइड रह सकती है। मतलब यहाँ से इसमें आपको 4-5% का प्रॉफिट ही मिलेगा दोस्तों। तो प्राइस फोरकास्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है इसका। यहाँ पे अगर देखें हम लोग, प्राइस फॉर अर्निंग जो है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से इसका कम है। हो सकता है अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए दोस्तों। फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल मेरे ख्याल से अगर देखें हम लोग तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है बहुत ही बढ़िया है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया है, नेट इनकम बढ़ा है। मगर यहाँ पे देख सकते हैं नेट इनकम जो है 2020 में, कोविड है फिर भी नेट इनकम इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों बहुत, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये सारी बातें इसको बहुत ही यूनिक और बढ़िया बनाती हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे होल्डिंग पैटर्न की, होल्डिंग पैटर्न में अगर देखें तो अराउंड 70% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 2% की होल्डिंग है, क्योंकि इसका IPO अभी आया था। अदर पार्टीज के पास 22% है, मतलब आप और मेरे जैसे लोग। यहाँ पे अब देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड के पास 3% की होल्डिंग है जैसे देख रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास भी अराउंड, फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। इस डेटा से हमें ऐसा समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर होगा, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप कभी भी पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो कोई भी शेयर की वैल्यू जो है वो आपके पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप
एक ही बार में कोई भी शेयर ना खरीदें, क्योंकि जब उसके अंदर गिरावट होगी तो आप उसको एक्युमुलेट, ज़्यादा शेयर एक्युमुलेट कर सकते हो। मतलब आप अभी के रेट में एक आध दो शेयर ले सकते हैं, जब इसके अंदर गिरावट होगी तब आप उसके अंदर थोड़े और शेयर इंक्लूड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके शेयर खरीदिए दोस्तों, ना कि एक बार में। मैं किसी भी शेयर होल्डर को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भारी मात्रा में एक ही बार में बहुत सारे शेयर किसी भी शेयर के खरीदें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।